अस्सलाम वालेकुम, सिटीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, हमारी जो भी वीडियोस आप देखते हैं आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया, और इसके अलावा हम आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आपको जो भी वीडियोस रिक्वायर्ड हों, जिन टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाह रहे हों, जिस तरह से आप हमारा एनालिसिस चाह रहे हों किसी स्पेसिफिक सोसाइटी पे, प्लॉट्स पे, प्राइसिस पे, एरियाज पे, डिवेलपमेंट पे, तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें मेंशन कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन टॉपिक्स को टाइम टू टाइम कवर करते रहें। आज जो हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया है, इसमें सबसे पहले जो मैं ये वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ, ये एक हमारी रिसेंट वीडियो थी, स्पेसिफिकली मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने शाहकाम चौक फ्लाईओवर के बारे में अपडेट किया था। उस पर एक कमेंट किया गया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मिस्टर एहसन जैदी साहब की तरफ से कमेंट आप देख सकते हैं कि काइंडली मेड व्लॉग ऑन न्यू लाहौर सिटी प्रीमियर इनक्लेव फेज 3 पोजेशन व्हेन इट विल बी गिवन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ फेज 3। तो एहसन जैदी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना फीडबैक देते हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है, और आप जैसे बहुत से दूसरे भाई जो फेज 3 के बारे में जानना चाह रहे थे, डेवलपमेंट के बारे में, पोजेशन के बारे में, ये वीडियो उनके लिए है। स्टार्ट करते हैं। न्यू लाहौर सिटी फेज 3 ओवरऑल हमारी डिफरेंट वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि एक बहुत अट्रैक्टिव लोकेशन का फेज़ है, एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पे ऐसे वक्त में जब न्यू लाहौर सिटी या जैतून ग्रुप या ओवरऑल फाइल्स के इश्यूज, उनके प्राइसेस के इश्यूज, उनकी डिलीवरी के इशूज़ चल रहे हों और लोग थोड़ा सा न्यू लाहौर सिटी से बैकफुट पे हों इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एट द सेम टाइम ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो डेवलप्ड ऑन ग्राउंड सम एरियाज में पोजेशन और सम एरियाज में विदाउट पोजेशन, सेमी डेवलप्ड प्लॉट्स की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सिक्योर है, जो सेफ है, जहां पे आप विद नंबर प्लॉट्स बाय कर सकते हैं और जहां पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जहां पर न्यू लाहौर सिटी के बाकी फेजेस या बाकी एरियाज की निस्बत प्राइसेस बढ़ने के चांसेस, प्राइसेस में इंक्रीज या गेन या ग्रोथ, ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी खास वजह इसकी करंट डेवलपमेंट है, लोगों का इसकी तरफ इंटरेस्ट है, इसकी करंट प्राइसेस हैं जो अभी रेंज में हैं और इजीली अफोर्डेबल हैं, और एट द सेम टाइम सबसे बड़ी अट्रैक्शन इसका बहरिया टाउन लाहौर के साथ कनेक्ट होना, बहरिया टाउन लाहौर तक इजी रसाई, इजी अप्रोच, इजी रीच जो है वो इसको एक ज़बरदस्त फेज़ बनाती है। फेज़ 3 की अगर प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो आपको 32 लाख से लेकर 42 लाख के इन बिटवीन मिलते हैं एज़ पर लोकेशन, और 10 मरला की अगर बात करें तो वो आपको 55 लाख से लेकर 70 लाख के इन बिटवीन ऑप्शंस मिलेंगी। 1 कैनाल के जो प्लॉट्स हैं वो आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ के इन बिटवीन डिफरेंट प्राइस रेंजेस में डिफरेंट लोकेशंस पर मिल रहे होंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट का एहसन जैदी साहब ने जिक्र किया कि यहाँ पर करंट डेवलपमेंट क्या है और पोजेशन का क्या स्टेटस है। फेज 3 में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसके ए ब्लॉक से हम स्टार्ट करते हैं। इसके 3 ब्लॉक्स हैं, ए, बी और सी ब्लॉक। ए ब्लॉक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है, सोसाइटी की तरफ से कुछ घर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पर पोजेशन नहीं है। कुछ आप मॉडल हाउसेस कह लें या इस तरह के ऑप्शन के जो बाद में मे बी इंस्टॉलमेंट्स पे या किसी और फॉर्म में सोसाइटी की तरफ से जो है वो ऑफर की जाए, इस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। डस्ट रोड्स वगैरह वहाँ पर काफ़ी हद तक बनी है, लेकिन स्टिल पोजेशन वहाँ पर अनाउंस नहीं किया गया। वहाँ पर जो मस्जिद आ रही है उसकी कंस्ट्रक्शन भी जो है वो जारी है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन स्टिल अभी जो घर बन रहे हैं वो सिर्फ सोसाइटी की तरफ से बन रहे हैं और ओवरऑल वहाँ पर पोजेशन नहीं है। ए ब्लॉक में एक जो है वो प्लेग्राउंड भी दी गई है बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन अभी स्टिल वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, काम वहाँ पर चल रहा है। टैंकी वगैरह जिस तरह से एक प्लेग्राउंड में या ग्राउंड में पार्क्स में लगाई जाती है उसका काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर पूरी तरह से अगर आप कहें कि ऑपरेशनल हो तो वो भी अभी नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे न्यू लाहौर सिटी फेज 3 या प्रीमियर इनक्लेव के बी ब्लॉक की तरफ। बी ब्लॉक के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि फेज 3 का बी ब्लॉक वाइड ब्लॉक है, जहाँ पे पोजेशन पूरी तरह से अनाउंसड है, जहाँ पे रोड्स बन चुकी हुई हैं, जहाँ पर 3 से 4 के करीब अगर हम कहें कि घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है और मतलब लोग घर बना रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल सही होगी। आप जैसा कि स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि न्यू लाहौर सिटी फेज 3 बी ब्लॉक जो है उसमें कंस्ट्रक्शन का स्टेटस रिलेटिवली बेहतर है और वहाँ पर पोजेशन भी अनाउंस हो चुका हुआ। सी ब्लॉक की अगर बात करें तो सी ब्लॉक को फर्दर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जो है वो 120 फीट मेन बुलेवर्ड जो बहरिया की तरफ एंटर हो रहा है उसके राइट साइड पर आ रहा है, जिसके आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, और इसमें स्टिल अभी डस्ट रोड्स वगैरह बनी है, काफ़ी हद तक डस्ट रोड्स बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर अभी पोजेशन नहीं है। सी ब्लॉक के दूसरे पार्ट की अगर बात करें जो ओपोजिट टू बी ब्लॉक आ रहा है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट रिलेटिवली बेहतर है, यहाँ पर 90% के करीब आप कह सकते हैं डेवलपमेंट हो चुकी हुई है और कुछ पार्ट जो है वो बाकी है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नियर फ्यूचर में इस पार्ट का, सी ब्लॉक के इस पार्ट का जो ऑपोजिट बी ब्लॉक आ रहा है, पोजेशन जल्दी आ सकता है।
तीसरा पार्ट जो है वो सी ब्लॉक का, वो क्रिकेट स्टेडियम वाला एरिया आ रहा है जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम दिया गया है, अभी उसकी उस तरह से डेवलपमेंट नहीं है, और ओवरऑल ये भी एक ऑफ ग्राउंड एरिया आ रहा है सी ब्लॉक का, तो इस वजह से इसमें भी अभी टाइम लगेगा। न्यू लाहौर सिटी फेज सी जो है वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, और अच्छी चीज़ ये है, सिक्योरिटी वाली चीज़ ये है कि आपको डस्ट रोड्स कंप्लीशन के साथ, नंबर्स के साथ, ख़ासतौर पे ऑन ग्राउंड या डेवलप्ड एरियाज या सेमी डेवलप्ड एरियाज में जो ऑप्शंस मिलती हैं उनमें बहुत ज़्यादा जूस है, उनमें बहुत ज़्यादा अभी आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल बाकी है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट चलेगी इन सराउंडिंग के ब्लॉक्स में, पोजेशन जैसे दिया जाएगा, अनाउंस होगा, तो यहाँ पर प्राइसेस मज़ीद भी बढ़ेंगी। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। मज़ीद कोशिश हमने पूरी की है कि आज की वीडियो में जो मतलब रिक्वायरमेंट थी एसएन जैदी साहब की अकॉर्डिंग टू हिज कमेंट, उसको पूरा किया जा सके, और हम आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे खासतौर पे एसएन जैदी साहब आप इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको ये वीडियो पसंद आई, पसंद नहीं आई, कुछ कमी रह गई इसमें, फर्दर आप किन टॉपिक्स पे वीडियो चाह रहे हैं, और इसके अलावा हमारे जो बाकी क्लाइंट्स हैं, बाकी व्यूअर्स हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट भी बता सकते हैं रिगार्डिंग एनी सोसाइटी एनी एरिया, अगर वो हमारी रेंज में हो और हम उसमें मतलब एक बेहतर तरीके से अपना एनालिसिस दे सके, तो कोशिश होगी प्रॉपर आपको उस पर गाइड किया जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा किसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, एट एनी टाइम हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, और इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।